जदों पीर साहब इतने सारे निके जाए सन ना, तैयार किया गया ना बाबा जी नूं कि उस काणे दा मुकाबला करना है दज्जाल दा। इतने सारे जदों अंगा पढ़न गए ना, उत्ते कसीदा गौसिया दा आमिल सी बुढ़ा बाबा मसीती आके लोगों को अपने पीरी फकीरी झाड़दा सी। जदों मसीती आंदा सी पूरी मस्जिद खड़ी हो जाती, पीर मेरे अली शाह साहब जी इतने सारे सन मस्जिद नमाज पढ़न गए, वो बाबा आया कसीदा गौसिया दा आमिल, सारी मस्जिद खड़ी हो गई, पीर साहब बैठे रहे। ओ बाबा जल बुझ गया और उसकी पीरी फकीरी कोई फर्क आ गया। उन्हें कहा मुंडिया तू ना खड़ा होया, मैं पढ़ा कसीदा गौसिया। तो पीर मेरे अली शाह साहब गल के की थी, आपने फरमाया तू कसीदा गौसिया पढ़, मैं कसीदे वाले नु बुलाना। तो आपने फरमाया साड़ी बिल्ली सानू ही म्यो, तू साढ़े बाबे का कसीदा साढ़े ते फूकना ही। उस वेले पीर साहब का मकाम सी, जो काने के मुकाबले चले गोल्ड शरीफ 118 सफे ते गल मौजूद है। पीर मेरे अली शाह साहब मलफूजात मेरी च जो आप गोल्ड शरीफ चलन लगे तो मुरीदा ने कहा हजूर मौलविया का काम है, तुम फकीर आदमी हो गोल्ड शरीफ बैठो, ये मुनाजरे मुबाले थे मौलविया के काम। तो पीर मेरे अली शाह साहब तारीखी गल की थी, आपने फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि हुजूर की खत्म नबुवत का मुनकर लाहौर में ललकारता रहे और मेरे अली शाह गोरड़े में बैठा रहे। आज मिर्जाइयों को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मिर्जाइयों को भी और जो खत्म नबुवत पर किताबें हैं उनको भी फिर कवारियत में लाया जा रहा है। बच्चों इंज नहीं होना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा।